कांग्रेस ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं, लेकिन पार्टी के नेता ही इस मसले पर एक राय नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने निकाय चुनाव पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। बीजेपी के किसान सम्मेलन पर जरूर दिग्विजय ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और रविशंकर प्रसाद पहले सुरजीत बादल को समझाएं, फिर देश को कृषि कानून के फायदे गिनाएं। सीएम शिवराज सिंह के राहुल गांधी पर तंज कसने पर बोले दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज का बयान टिप्पणी करने लायक नहीं है। कि मोदी जी पहले और रविशंकर प्रसाद जी सुखबीर बादल जी को समझा ले, बाकी बाद में देश को समझाएं। शिवराज सिंह जी की बातों पर मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि टिप्पणी लायक बयान उन्होंने नहीं दिया।